यूपी के फतेहपुर जिले में घर में अकेली महिला के साथ गांव के दबंगों ने तमंचे की नोक पर गैंगरेप की घटना को अंजाम दे दिया और घटना के बाद किसी को न बताने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। आपको बता दें, जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला घर पर अकेली थी, तभी गांव के रहने वाले दबंगों ने महिला को अकेला पाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दे दिया। आरोप है कि पुलिस ने थाने पहुंचे महिला की सुनवाई नहीं की और थाने से भगा दिया और घटना के बाद पीड़िता को दबंगों द्वारा सुलह करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। सुलह न करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। वहीं पीड़ित महिला ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद एसपी ने पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर गाजीपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। वहीं इस मामले में एडिशनल एसपी राजेश कुमार ने बताया कि गाजीपुर थाने में एक मुकदमा दर्ज कर इस मामले की जांच सीओ जाफरगंज को दे दी गई है। ये पूरा मामला है कि मेरे घर में आए थे तीन लोग परसों की रात 1 बजे। मैं बाहर टॉयलेट ले गई थी, मेरा छोटा बच्चा था। ये लोग अंदर बढ़ गए हैं, अंदर बढ़ के बस का किए हैं मुझको। मैं मारा था मेरे बच्चों की, कहते हैं यहाँ पे लेट जाओ नहीं तुमको गोली मार दूंगी। तीनों को अंदर बढ़ के बस मेरे साथ बलात्कार किया है। बलात्कार के बदला में इसको मुश्किल से निकाल दिया, कोई किसी तान से निकाल के बस इनको मैं अंदर बंद कर लिया, दे दरवाजा बंद कर दिया है। बंद करके बाद फिर एक मैं सुबह उठी तो गई थाने, थाने में मेरा सारे लोग गए थे, जबरदस्ती मुझको वहाँ से ले आए थे। कहते अब कभी दोबारा गलती नहीं, मैं कहूँ नहीं आप तुमके सजा दूंगी मैं। बस इतने के बाद मैं चली आई हूँ, मेरा कोई वहाँ सुनाई नहीं। धमकी उनकी भी दे रहे हैं बोलो? हाँ, धमकी क्या बोल रहे हैं? धमकी दे रहे हैं कि हम तुमको मार देंगे, कहीं भी पा जाएंगे हम मार देंगे आपको, छोड़ेंगे आपके पति को भी मार देंगे, तुमको भी मार देंगे, बच्चों की भी मार देंगे। थाना गाजीपुर फतेहपुर में एक मुकदमा कायम हुआ है, अपराध संख्या 28/20, धारा 323, 504, 506 IPC हुआ, 376 325 SC एक्ट में, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी जाफरगंज के द्वारा की जा रही है। यह चार नफर अभियुक्तों के वर खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया है। विवेचना के उपरांत गुणदोष के आधार पर जो साक्ष्य पाए जाएंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।